आप देख रहे हैं क्लास नाइन्थ की साइंस एनसीईआरटी समरी। इसमें हम क्लास नाइन्थ की जो लेसन नंबर वन है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसकी पूरी कंप्लीट समरी करेंगे इस एक वीडियो में, ठीक है। और जिसको जो चीज़ समझ में ना आए वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे, उससे मैं उसको समझा दूँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इट इज़ प्रेजेंटेड बाय मी उमेश कुमार सैनी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैटर, व्हाट इज़ मैटर, है ना। तो मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, यानी कि मैटर वो होता है जो क्या करता है, स्पेस घेरता है और उसको खुद का मास होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। अब इसको क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, तो जो एयरली फिलोसफर्स थे वो क्या करते थे, इनको पांच टर्म्स में, पांच एलिमेंट्स में इसको क्या करा है, डिफाइन करा है, क्लासिफिकेशन करा है। किस किस में करा है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, जिसे उन्होंने नाम दिया पंच तत्व, पांच तत्व नाम दिया, ठीक है ना। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, जो फिजिकल स्टेट होता है मैटर का उसको इन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड करा, किसमें, लिक्विड, सॉलिड और गैस। इसी टाइप से जब फिजिकल स्टेट में करा उसी टाइप से केमिकल स्टेट में भी करा, तो केमिकल स्टेट में इन्होंने दो टाइप्स को उसको क्लासिफाई करा है, किसको, सब्सटेंस और मिक्सचर में, दो टाइप्स में करा है, ठीक है ना। तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं, और जो मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर होमोजीनस होता है और हेटेरोजीनस होता है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। सो फिजिकल नेचर देख लेते हैं मैटर के, फिजिकल नेचर कौन कौन से होते हैं, तो क्या होता है, इसके कुछ जो है फिजिकल नेचर हैं वो देख लेते हैं। पहला है मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी, तीसरा है द पार्टिकल ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम, फोर्थ है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और फिफ्थ है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। यहाँ जो है थोड़ी नंबरिंग गलत हो गई है तो इसको देख लेना, ठीक है। तो क्या है कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही टिनी होते हैं, है ना। और जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है और वो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, ठीक है। और वो आपस में एक दूसरे के क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसी को समझने के लिए हम यहाँ ये एक्सपेरिमेंट है, थोड़े से पहला एक्सपेरिमेंट है मेड मैटर इज मेड अप पार्टिकल्स। इसका ये एक एक्सपेरिमेंट है कि एक जो हमने वीकर में किया, हमने एक वीकर में पानी ले लिया है और उसके पानी को जो वाटर का है उसको हमने नोट डाउन कर लिया कि कितना लेवल है, फिर उसमें हमने क्या करा, शुगर डाल दिया या नमक डाल दी या सॉल्ट डाल दिया ना, तो क्या होगा जब हम उसको डिसॉल्व करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा। ऑफकोर्स नहीं बढ़ेगा, क्योंकि क्या होगा कि जो उसके सॉल्ट के या शुगर के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स में क्या होंगे, मिल जाएंगे, घुल जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा। इससे सिद्ध होता है कि जो मैटर होता है वो किससे होता है, पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। अगला है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी, ठीक है। इसी टाइप से क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट के 100 ml में, 100 ml वाटर के में एक किसी वीकर के अंदर अगर दो तीन क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डाल देते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है उसका लेवल क्या होता है, लेवल हमेशा क्या है, सेम रहेगा, ठीक है। जैसे कि इसमें पूरा लिखा है, इसको पढ़ लेना, ठीक है ना, लेवल सेम रहेगा। इससे किस सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी होते हैं, ठीक है। तीसरा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो पार्टिकल होते हैं मैटर के उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है कुछ, ठीक है ना। जैसे इसका एक्सपेरिमेंट है कि एक बीकर में हमने पानी लिया, वाटर, उसमें हमने शुगर मिला दिया, ठीक है ना, और उसको थोड़ा डिसॉल्व कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा अगर हमने सॉल्ट मिलाई है, तो द सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। सॉल्ट जो सॉल्ट होती है वो डिसॉल्व तो हो जाती है, बट क्या होता है जो वाटर का लेवल होता है वो चेंज नहीं होता है। दिस इज़ बिकॉज द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ वाटर। मतलब क्या है कि जो हमारे सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या होता है, वो वाटर के पार्टिकल्स और सॉल्ट के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, थोड़ा स्पेस हो जाता है, जैसे कि इसमें दिख रहा होगा, ठीक है।
ठीक है, अगला पढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जैसे डायग्राम्स में दिख ही रहा होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। बाकी ये सब पढ़ लेना, इसके बारे में है ये एक्सपेरिमेंट। अगला एक्सपेरिमेंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। क्या करते हैं पार्टिकल के जो नेचर होता है वो क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। बाकी सब इसमें लिखा है, पढ़ लेना इसको। तीसरा आता है स्टेट ऑफ मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स। जो मैटर होता है वो थ्री स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सबसे पहले हम सॉलिड की बात कर लेते हैं। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड में एक तो फिक्स्ड शेप होता है और क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इनके जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है बहुत ही कम होता है, है ना, बहुत कम होता है, चिपके हुए होते हैं आपस में। और जो इनके फोर्स होता है, इनके बीच में जो फोर्स होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो फोर्सेस लगे होते हैं वो बहुत मैक्सिमम होता है। यानी कि वो एक दूसरे से जो स्पेस होता है वो तो कम होता है, लेकिन जो फोर्स लगता है वो बहुत ही मैक्सिमम लगता है, हाई लगता है, ठीक है। और जो जब क्योंकि ये सॉलिड होते हैं, इनके बीच में फोर्स मैक्सिमम होता है और स्पेस इनका मिनिमम होता है, तो सीधी सी बात है ये मूविंग नहीं कर पाते, यानी मूवमेंट जो होता है बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में होता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। ये जो कंप्रेसिबल होते हैं वो लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कि है ना, कंप्रेस नहीं किया जा सकता इनको ज़्यादा। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। जो इसमें डिफ्यूजन की जो डिफ्यूजन की जो रेट होता है वो लीस्ट होता है, यानी बहुत कम डिफ्यूजन होता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि ये डायग्राम में देख रहे होगे, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, है ना, इनका फिक्स्ड शेप है और वॉल्यूम भी शेप है, और जो इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस देख रहे होगे बहुत कम है और फोर्स मैक्सिमम है। अगला आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है, और फिक्स्ड मास होता है। बट क्या होता है, जो शेप होता है, शेप डेफिनेट नहीं होता है, यानी कि फिक्स्ड शेप नहीं होता है। जिस लिक्विड में क्या है, जिस कंटेनर में रखा जाएगा उसी का क्या होगा, उसी का साइज़ ले लेगा ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज़ इंटरमीडिएट। यानी कि इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल के स्पेस होता है बीच में वो लगभग सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें क्या है, सॉलिड में तो स्पेस होता ही नहीं है, बहुत मिनिमम होता है, बट लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, है ना। और फोर्स क्या होता है, फोर्स जो पार्टिकल्स के बीच में लगा होता है सॉलिड में क्या होता है, मैक्सिमम होता है, बट इसमें ना तो लीस्ट होता है ना मैक्सिमम होता है, मीडिएट होता है, यानी कि मीडियम टाइप का होता है। और जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का वो भी मीडियम होता है। और ये जो कंप्रेसिबल है ये सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा है, लेस है, है ना। और जो इसमें डिफ्यूज़न होता है वो सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है, सॉलिड के अंदर बहुत कम होता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये छह पार्ट्स है इसके। अगला आता है गैस। गैस का क्या होता है, गैस का ना तो शेप होता है डेफिनेट, ना वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। ये जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी का साइज़ ले लेता है। इसके बीच में क्या होता है, जो स्पेस होता है पार्टिकल, जैसे सॉलिड में क्या था, सबसे कम था, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा हुआ, और गैसेस में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। जैसे कि दिख रहा होगा डायग्राम में, जो इनके बीच में स्पेस है ना वो ज़्यादा होगा। जो फोर्स होगा पार्टिकल्स के बीच में, जो फोर्स होगा बहुत मिनिमम होगा। क्यों, क्योंकि जब सॉलिड में आपस में चिपके हुए थे पार्टिकल्स, तो एक दूसरे से क्या कर रहे थे, वो फोर्स जो लग रहा था हमारा, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स लग रहा था। बट यहाँ क्या है, यह पार्टिकल्स दूर दूर हैं, स्पेस बहुत है, तो फोर्स क्या लगेगा, मिनिमम लगेगा बहुत, ठीक है। और जो मोमेंट होगा क्या होगा, मोमेंट क्या होगा पार्टिकल्स का, बहुत मैक्सिमम होगा, कंप्रेसिबल, बहुत कंप्रेसिबल होंगे। और क्या होगा, जो डिफ्यूज़न रेट होगी इसकी वो लिक्विड और सॉलिड से बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अगला आता है स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है ना। अब इसमें पढ़ लेता है, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड इट चेंजेस इंटू लिक्विड। जब यानी कि सॉलिड को गर्म किया जाता है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और इसी टाइप से जब लिक्विड को गर्म किया जाता है तो वो गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इसी टाइप से क्या होता है, जब गैस को ठंडा किया जाता है तो वो लिक्विड बदल जाता है, और जब लिक्विड को ठंडा किया जाता है तो वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है, देखो जैसे इस सॉलिड स्टेट को हमने हीट करा था वो क्या हो गया, लिक्विड में। अब लिक्विड को ठंडा करा था वो सॉलिड में।
इसी टाइप से अगर लिक्विड को हीट करा तो गैस में और गैस को ठंडा करा तो लिक्विड में, ठीक है। ये डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लेना इसको। और ये एग्जांपल है, जैसे इफ़ आइस इज हीटेड इट चेंज इनटू वाटर, जब जो बर्फ़ होती है आइस होती है उसको हम गर्म करते हैं तो वो वाटर में चेंज हो जाता है, और वाटर को जब हम गर्म करते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाता है, और जब स्टीम होती है जो भाप होती है उसको ठंडा करते हैं तो वो वाटर में चेंज हो जाता है, और जब वाटर को ठंडा किया जाता है तो वो बर्फ़ में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी टाइप से मेल्टिंग या फ्यूज़न, मेल्टिंग क्या होता है, व्हेन अ सॉलिड इज़ हीटेड, जब सॉलिड को गर्म किया जाता है द पार्टिकल्स बिगेन टू वाइब्रेट, तो जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर वो क्या होते हैं, वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं विद ग्रेटर स्पीड, यानी कि बहुत तेज स्पीड में है ना वाइब्रेट होते हैं, बहुत वाइब्रेशन हो जाती है, एंड बिगेन टू मूव मोर फ्रीली, और क्या होता है वो एक अनियमित गति से यानी कि किसी भी डायरेक्शन में बहुत तेज मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देन ए पार्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड मेल्ट एंड चेंज इनटू लिक्विड, तो क्या होता है पार्टिकुलर जो टेम्परेचर होता है किसका, सॉलिड का, वो मेल्ट हो जाता है और चेंज किस में हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो जो ये प्रोसेस होता है वो मेल्टिंग कहलाता है, ठीक है। जो ये प्रोसेस होता है मेल्टिंग का वो हमारा फ्यूज़न कहलाता है, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, जो जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होता है वो कहलाता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका वो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, के फॉर केल्विन होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड इनटू अ लिक्विड, यानी कि जो एनर्जी चाहिए होती है किसको, सॉलिड से लिक्विड को चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, किसमें, मेल्टिंग पॉइंट पर, वो हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाता है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं बॉइलिंग, बॉइलिंग क्या होता है, उबलना है ना। व्हेन अ लिक्विड इज हीट, जब हम क्या होता है लिक्विड को हीट किया जाता है तो उसके पार्टिकल क्या होते हैं, वो बहुत तेज गति से क्या होता है, मूव करने लगते हैं, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जहाँ लिक्विड क्या होता है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो उसके थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो इनटू गैस में चेंज हो जाएगा, वेपर में यानी कि भाष्प में। बॉइलिंग इज अ वुल्क फिनोमिनन, व्हेन अ लिक्विड बॉयल्स द वुल्क ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर, क्या होता है जो बॉइलिंग है वो एक विशाल या बहुत बड़ा जो है एक फिनोमिनन है, घटना है, वो क्या होती है जब लिक्विड को गर्म किया जाता है बहुत बड़ा अमाउंट में तो वो क्या होता है वेपर में इसको चेंज कर देता है, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पर ये बॉयल होना शुरू हो जाता है वो टेम्परेचर हमारा क्या कहलाता है, कितना होता है सॉरी, ठीक है, जब लिक्विड चेंज होना शुरू हो जाता है बॉइलिंग बॉयल होना शुरू हो जाता है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और जो ये टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको जब हम केल्विन में चेंज करेंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी कि जो अमाउंट जो एनर्जी के अमाउंट की ज़रूरत होती है किसकी, लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए 1 किलोग्राम अमाउंट की जो ज़रूरत होती है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर पर एट अ बॉइलिंग पॉइंट पर, वो हमारी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो कुछ इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पर मॉलिकुलर मोशन के, जैसे सॉलिड पर ये ठंडा है यानी कि कोल्ड है, जब ये गर्म होगा तो इसके क्या होगा, मॉलिक्यूलर जो मोशन होगा वो देखो अलग अलग हो जाएंगे। इसी टाइप से जब लिक्विड होगा कोल्ड ठंडा, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे आपस में होंगे पास, जब इसको गर्म किया जाता है तो दूर दूर हट जाते हैं, ठीक है। अगला आता है सब्लिमेशन, व्हाट इज सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें डायरेक्टली सॉलिड से गैस में बदल जाए, यानी कि वो लिक्विड में ना बदल कर सीधा गैस में बदल जाए और गैस से सीधा सॉलिड हो जाए, ठीक है। यानी कि बीच में जैसे अगर हम सॉलिड को गर्म करेंगे तो पहले लिक्विड बनेगा फिर गैस, इसी टाइप से गैस को जब ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड बनेगा, फिर उसको ठंडा करेंगे तो बर्फ़ या आइस सॉलिड। बट ये प्रोसेस ऐसा है इसमें डायरेक्टली क्या होगा कि डायरेक्टली ये क्या होगा, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाएगा और गैस से सॉलिड में चेंज हो जाएगा, वो सब्लिमेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसका ये एग्जांपल है और थोड़ी एक्सपेरिमेंट है, वो देख लेना इसको आप, ठीक है ना।
इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस, गैस पर क्या जो प्रेशर पड़ता है देख लेते हैं। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ गैस द पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड द गैस चेंज इनटू लिक्विड। जब कोई गैस पे कोई प्रेशर डाला जाता है तो पार्टिकल्स क्या होते हैं वो पास पास आ जाते हैं और गैस क्या होता है वो चेंज हो जाती है लिक्विड में। व्हेन आई लिक्विफाई गैस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कंप्रेस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस। इफ द प्रेशर इज रिड्यूज इट चेंज डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग इन टू लिक्विड स्टेट। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड नॉन इज ए ड्राई आइस। ठीक है, जब लिक्विफाई गैस होती है उस पर प्रेशर डाला जाता है और टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाता है तब जो कंप्रेस्ड सॉलिड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है ड्राई आइस में चेंज होता है, यानी कि इसे ड्राई आइस बोला जाता है। जब प्रेशर को क्या होता है रिड्यूस करके डायरेक्टली गैस में चेंज कर दिया जाता है लिक्विड स्टेट में ना बदल कर, तो जो हमारा CO2 होगी कार्बन डाइऑक्साइड वो सीधे सीधा हमारे डायरेक्टली क्या कहलाएगी हमारी ड्राई आइस कहलाएगी। ठीक है ना, जैसे कि इसमें देख लेना समझ रहे होगे। अगला इंटरकार्बन कन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में जो आपस में कनेक्शन होता है वो देख लेते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ प्रेशर। देखो सॉलिड लिक्विड गैस आपस में देख लेना, इसमें सॉलिड है, सॉलिड से क्या है फ्यूजन के थ्रू लिक्विड होगा, सॉलिडिफिकेशन के अंदर सॉलिड बन जाएगा। अब लिक्विड से गैस में गैस होगा, वेपराइजेशन करेंगे तो गैस बनेगा और कंडेंसेशन करेंगे तो लिक्विड बनेगा। इसी टाइप से गैस और सॉलिड में क्या कनेक्शन होगा, जब गैस से सब्लिमेशन के थ्रू सॉलिड बनेगा और जब सॉलिड से सब्लिमेशन करेंगे तो गैस बनेगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा इवेपोरेशन क्या होता है, जब लिक्विड का वेपर में कन्वर्टेशन हो जाता है, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाती है किसी भी टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा 100 डिग्री उससे नीचे नीचे, तो क्या होता है वो इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। जो इवेपोरेशन का इफेक्ट है वो डिपेंड्स करता है उसके सरफेस एरिया पर, टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर और जो हवाओं की गति है उस पर। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तब रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तब क्या होगा इवेपोरेशन की जो रेट होगी वह घटेगी डिक्रीज होगी, जब हवा तेज होगी इंक्रीजिंग होगी तब क्या होगा जो रेट होगा इवेपोरेशन का वो भी क्या होगा इंक्रीज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह है हमारा लास्ट पॉइंट इवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग। ठीक है, व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट, जब लिक्विड इवेपोरेट होता है द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब्ड हीट, तो जो पार्टिकल होते हैं ना लिक्विड के वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इवेपोरेट, सो द सराउंडिंग बिकम कोल्ड, जो उसके आसपास सराउंडिंग्स होते हैं वो कोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल है उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर बिकॉज, समर में हमारे बॉडी में ज़्यादा पसीना आता है। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ड्यूरिंग इवेपोरेशन द स्वेट एब्जॉर्ब हीट, जो इवेपोरेशन के टाइम पर जो हमारा पसीना होता है वो एब्जॉर्ब करता है हीट को हमारी बॉडी से, क्यों, क्योंकि जिससे हमारी बॉडी कूल बनी रहे, मतलब यानी कि ज़्यादा वार्म ना हो गर्म ना हो। ठीक है ना, वेयरिंग कॉटन क्लॉथ, हम जो है कॉटन क्लॉथ को इसलिए पहनते हैं समर में ताकि जिससे क्या हुआ कि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं पसीने को, और क्या होता है स्वेट एवेपोरेट इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग बॉडी कूल, यानी कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो हम इसलिए पहनते हैं ताकि बॉडी से जो हीट है हमारी बॉडी वार्म ना हो, क्योंकि जो कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं वो स्वेट को ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बॉडी को गर्म होने से बचाते हैं। सो ये हमारा है लेसन ख़त्म हुआ, और सो आई होप सब कुछ समझ में आ गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी क्लास 9th की चैप्टर नंबर 2 अगली वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।